श्री राधा रानी के 16 नाम पुराणों में आते हैं। यहाँ हम उन नामों का पहले जय घोष करें और फिर उनका अर्थ समझने का किंचित प्रयास करें। जय जय राधा राशेश्वरी जय रासवासी जय 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 राधा राशेश्वरी जय रासवासिनी जय 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 रसिकेश्वरी जयति जय कृष्ण प्राणाधिका नित्य जय जय रसिकेश्वरी जयति जय कृष्ण प्राणाधिका नित्य जय जय कृष्ण स्वरूपिणी कृष्ण प्रिया जय कृष्ण स्वरूपिणी कृष्ण प्रिया जय परमानंद रूपिणी जय परमानंद रूपिणी जय कृष्ण वामयंग संभूता जय कृष्ण वाम संभूता जय कृष्णा वृंदा जय 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 कृष्णा वृंदा जय जय वृंदावनी जयति जय वृंदावन विनोदिनी जय 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 वृंदावन जयति जय वृंदावन विनोदिनी जय 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 चंद्रावती शत चंद्र निभमुखी चंद्रावती शत चंद्र निभमुखी चंद्रकांता जय 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 चंद्रकांता जय 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 श्री राधा जी के राधा राशेश्वरी रासवासिनी रसिकेश्वरी कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण प्रिया कृष्ण स्वरूपिणी कृष्णा परमानंद रूपिणी कृष्ण वामांग संभूता वृंदावनी वृंदा वृंदावन विनोदिनी चंद्रावती चंद्रकांता और शतचंद्र प्रभानना ये 16 नाम प्रसिद्ध हैं। इन्हें सार रूप माना जाता है। अब इनका थोड़ा अर्थ समझने का प्रयत्न करें। वे राधा संपूर्ण रूप से सहज ही कृतकृत्य हैं, सिद्ध हैं, इससे उनका नाम राधा है। अथवा रा का अर्थ है देना और धा का अर्थ है निर्वाण। अतः वे मोक्ष निर्वाण देने वाली हैं, इससे राधा कहलाती हैं। वे राशेश्वर श्याम सुंदर की नित्य अर्धांगिनी हैं, अथवा रास की सारी लीला उन्हीं के मधुरतम ऐश्वर्य का प्रकाश है, इसलिए वे राशेश्वरी कहलाती हैं। नित्य रास में उनका नित्य निवास है, अतएव उनको रासवासिनी कहते हैं। वे समस्त रसिक देवियों की सर्वश्रेष्ठ स्वामिनी हैं, अथवा रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण उनको अपनी स्वामिनी मानते हैं, इसलिए वे रसिकेश्वरी कहलाती हैं। सर्वलोक महेश्वर सर्वमय और सर्वातीत परमात्मा श्री कृष्ण को वे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, इसलिए कृष्ण प्राणाधिका कहा जाता है। वे श्री कृष्ण की परम बल्लभा हैं, या श्री कृष्ण सदा उन्हें परम प्रिय हैं, अतएव उन्हें कृष्ण प्रिया कहते हैं। वे स्वरूपतः तत्वतः श्री कृष्ण से सर्वथा अभिन्न हैं, समग्र रूप से श्री कृष्ण के समान हैं और लीला से ही वे श्री कृष्ण का यथार्थ स्वरूप धारण करने में भी समर्थ हैं, इसलिए कृष्ण स्वरूपिणी कहलाती हैं। वे परम सती एक समय श्री कृष्ण के वाम अर्धांग से प्रकट हुई थी, इसलिए उनको कृष्ण वामांग संभूता कहते हैं। भगवत स्वरूपा परमानंद की राशि ही उन परम सती शिरोमणि के रूप में मूर्तिमती हुई हैं, अथवा जो भगवान की अभिन्न परमानंद स्वरूपा आह्लादिनी शक्ति हैं, इसी से उनका नाम परमानंद रूपिणी है। कृष धातु मोक्षवाचक है, न उत्कृष्ट का द्योतक है और आ देने वाली का बोधक है। इस प्रकार वे श्रेष्ठ मोक्ष प्रदान करती हैं, अथवा वे श्री कृष्ण की ही तत्वतः नित्य अभिन्न परंतु लीला से भिन्न स्वरूपा हैं,
अतः उनको कृष्णा कहते हैं। वृंद शब्द सखियों के समुदाय का वाचक है, असत्ता का बोधक है। सखी वृंद उनका है, वे सखी वृंद की स्वामिनी हैं, इसलिए वृंदा कहलाती हैं। वृंदावन उनकी मधुर लीला स्थली है, विहार भूमि है, इससे उन्हें वृंदावनी कहा जाता है। वृंदावन में उनका विनोद मनोरंजन होता है, अथवा उनके कारण समस्त वृंदावन को आमोदक प्राप्त होता है, इसलिए वे वृंदावन विनोदिनी कहलाती हैं। उनकी नखावली चंद्रमाओं की पंक्ति के समान सुशोभित हैं, अथवा उनका मुख पूर्ण चंद्र के सदृश है, इससे उनको चंद्रावती कहते हैं। उनके दिव्य शरीर पर अनंत चंद्रमाओं की सी कांति सदा सर्वदा जगमगाती रहती है, इसलिए वे चंद्रकांता कही जाती हैं। और उनके मुख पर नित्य निरंतर सैकड़ों चंद्रमाओं की ज्योत्सना झलमल करती रहती है, इसी से उनका एक नाम है शतचंद्र निभानना। भगवान श्री कृष्ण की प्राणाधिका उनके परमानंद की प्रत्यक्ष मूर्ति राधा के इन नामों की संक्षिप्त व्याख्या से हमें राधा के महत्व का किंचित परिचय प्राप्त होता है। राधा वास्तव में कोई मानवी नारी विशेष नहीं है, वे भगवान की साक्षात अभिन्न शक्ति हैं। इनके संग से ही भगवान में सर्वशक्तिमत्ता का प्रकाश होता है।